हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विभा वैद्य। रिसेंटली भी हमने जेट प्लांट के ऊपर वीडियो शेयर की थी, जिसमें हमने अपने जेट कलेक्शन को दिखाया था। कुछ जेट बॉन्साई और कुछ टोपेरी थे। टोपेरी के ऊपर हमने कुछ वीडियो हमने शेयर की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जो प्रूनिंग के बाद ये जो छोटे छोटे ब्रांचेज है, प्रूनिंग के बाद जो कटिंग निकलते हैं उसको हम फिर से रिपोर्ट कर देते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वो एक प्लांट काफ़ी ग्रो कर जाता है, जो कि तरह तरह का शेप ले लेता है। तो उसमें हम शेप को देखते हुए हम उससे टोपेरी बनाते हैं। तो उसका इनिशियल जो स्टेप है वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। प्रूनिंग के बाद जो हमें कटिंग प्राप्त हुए थे उसे हमने छोटे छोटे गमलों में हम रिपोर्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आ जाती है। ये देखिए, ये सारे जो छोटे छोटे आपको पॉट्स दिख रहे हैं, इसमें सारे कटिंग ही लगाए गए हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई। इसे हम वाइल्डली हम ग्रो होने देते हैं, और इन्हीं में से एक हम चूज़ करते हैं टोपेरी बनाने के लिए। जैसे इस प्लांट को हमने चूज़ किया है, और इसकी शेप देखिए नीचे की ओर झुकी हुई है। जनरली सारे जो जेट प्लांट्स होते हैं वो जब ग्रो करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो नीचे की ओर ही झुक जाते हैं, जब तक कि हम उन्हें कोई सपोर्ट ना दें। तो इस प्लांट को हमने लिया है और इसे हम दूसरे गमले में हम रिपोर्ट करेंगे। इसकी शेप मुझे अच्छी लग रही है, नीचे झुकी हुई है। हमने एक खाली पॉट लिया है और इसमें हम फिल करेंगे जो पॉटिंग सॉइल है, जिसमें कि हमने कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का मिक्सर बनाया है। इसे हम फिल कर देंगे। पॉटिंग सॉइल के जो मिक्सर अभी हमने ली है, उसमें गार्डन सॉइल हमने 50% रखा है, और थोड़ी बहुत हमने वर्मी कंपोस्ट रखा है, और कोकोपीट बहुत कम मात्रा में हमने इसे मिक्स की है। बेल्ड्रिन सॉइल इसके रखने के लिए हमने इसमें सैंड भी मिक्स किया है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने जो प्लांट को हमें रिपोर्ट करना है उसे हमने दूसरे पॉट से निकाल लिया है, और इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज है उसको हम कट कर दे रहे हैं और इसमें हम लगा दे रहे हैं। और ये देखिए, अच्छी तरह से ये प्लांट सेट हो गया है। एक स्टोन यहाँ पे रख दे रहे हैं ताकि वो उसको सपोर्ट मिले उसे। अभी चूँकि अभी मिट्टी अभी उसकी लूज़ है, अभी सेट होने में टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। ये देखिए, दूसरे पॉट में ही हमने ठीक उसी शेप की हमने दूसरे प्लांट को लगाया है, और उसी तरह से हमने स्टोन भी इसमें एक रखा है जो इसको सपोर्ट दे रहा है। और इसी तरह से देखिए, कई प्लांट्स हैं जो इसी शेप में हैं। तो मन चाहे आप टोपेरिया बना सकते हैं, आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मुझे गार्डन में बैकयार्ड एरिया में मुझे मॉस ग्रास मुझे मिल गया था, थोड़ी बहुत मॉइस्ट एरिया है वो, तो मुझे ये अच्छी तरह से बहुत सारे मुझे मिल गए, तो मैं इससे डेकोरेट कर रही हूँ इस पॉट को। पूरी तरह से मॉस ग्रास से कवर कर दूँगी इसे, और ये पूरी तरह से कवर्ड हो चुका है। अब इसे और भी आप चाहे तो डेकोरेट कर सके, जैसे मैंने छोटी सी फेंसिंग लगा दी है, और ये एक हट रख दिया है मैंने, इसमें आप और कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। इसी तरह से एक दूसरा प्लांट है जिसकी शेप अभी आपको ये दिख रही है। साल में एक या दो बार फर्टिलाइज़र आप दे तो प्लांट आपके बहुत अच्छे तरह से उसमें ग्रोथ होगी। और ये देखिए, इसमें बोन मील है, नीम खल है, और थोड़ी सी डीएपी है। तो आप इन तीनों का जो मिक्सर है, आप जब आप इसके सॉइल मिक्सर को आप जब चेंज करते हैं पॉट में, या फिर उसको रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें आप ये जो मिक्सर है फर्टिलाइज़र का, वो आप थोड़े थोड़े आप डाल सकते हैं। जब आप इसके मिट्टी को आप चेंज करें, फ्रेश करें, तो डाल सकते हैं, या फिर आप ना भी चेंज करें, आप साल में एक बार करनी चाहिए, ना भी चेंज अगर आप करते हैं तो ऊपर से भी आप फर्टिलाइज़र को आप डाल दीजिए, तो भी इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ये हमारे बैकयार्ड में ये बहुत सारे अभी मॉस ग्रास है, चूँकि अभी बारिश हो रही है तो मॉइस्चर बनी हुई है सॉइल में, तो हमें ये अभी मिल जा रहा है, तो इसका मैं यूज़ कर रही हूँ इसके डेकोरेशन में।
थोड़ा मॉइस्ट कर देंगे। तो ये तीसरी ट्रपेरी भी डेकोरेट हो गई है। तो आप देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप मनचाहे शेप आप दीजिए ट्रपेरी में और इसे डेकोरेट करिए और इन्जॉय करिए अपनी गार्डनिंग को। मॉस ग्रास की जगह आप पेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसे आप चाहे आप वैसे डेकोरेट करिए। जैसे ये इस प्लांट्स को मैंने डेकोरेट किया था, इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी और मैं लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।